राधा का शौहर मोहन मजदूरी करता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी राधा और अपने 10 साल की बेटी नर्मदा का पेट भर पाता था। वहीं उसका पड़ोस में रहने वाला सुरेश एक बिजनेसमैन था। नवरात्रि चल रही थी, मोहन मजदूरी पर जाने ही वाला था कि तभी उसकी बीवी राधा उससे बोली, अजी सुनते हो, नवरात्रि चल रही है और मैं हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के व्रत रख रही हूँ। हाँ राधा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या हर साल की तरह इस साल भी हम नवरात्रि की पूजा नहीं करवा पाएंगे? मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी अपने घर पर कथा पूजन करवाऊं और 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाऊं। तुम फिक्र मत करो राधा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। नवरात्रि से पहले कुछ पैसे तुम्हारे हाथ में जरूर रखूंगा। मैं कह रही थी कि आज जब आप बाजार से आना तो व्रत का कुछ सामान लेकर आना। क्या क्या मंगाना चाहती हो तुम? 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, साबुदाना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है राधा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझसे जो जो सामान मंगवाया है मैं नवरात्रि से पहले पहले वो सामान तुम्हें लाकर दे दूंगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया और राधा का चेहरा मायूस हो गया। तभी राधा की पड़ोसी कनिका वहाँ पर आ गई। कनिका राधा के घर पर कभी कभार आया करती थी। अरे राधा, मैं कब से इंतजार कर रही थी, आज तुझे मेरे साथ मार्केट चलना है। मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे आपके साथ बाजार जाना था। अरे नवरात्रि चल रही है ना, तो उसकी कुछ शॉपिंग करनी है। तुम तो जानती ही हो राधा कि हम लोग नवरात्रि की पूजा कितनी धूमधाम से करते हैं, और जब तक हम कन्या पूजन नहीं करवाते हमें तो पता ही नहीं चलता कि नवरात्रि आई भी है या नहीं। क्या तुमने नवरात्रि की अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की? आपके आने से कुछ देर पहले ही मैं अपने पति मोहन से उसी के बारे में बात कर रही थी। आजकल बाजार में बहुत मंदी चल रही है ना, और मेरे पति तो मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो नवरात्रि से पहले पूजा का सामान लाकर जरूर देंगे। अरे तेरा पति तो हर साल यही कहता है, चल मेरे साथ हम बाजार चलते हैं। राधा कनिका के साथ बाजार चली गई। एक दुकान पर जाकर कनिका दुकानदार से बोली, भैया 5 किलो कोटू, 5 किलो सिंघाड़े का आटा, 5 किलो सेंधा नमक और 5 किलो साबुदाना। और हाँ, साथ ही साथ आपके पास जो अच्छे चिप्स के पैकेट्स है ना व्रत वाले, वो भी पैक कर दीजिएगा। बहन जी, व्रत की बहुत अच्छी और ब्रांडेड नमकीन आई है, आप उसका नाम लेना तो भूल ही गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। एक काम कीजिए, 5-5 पैकेट व्रत वाले बढ़िया ब्रांडेड नमकीन भी पैक कर दीजिए। राधा ये सब अपनी बेचारी आंखों से देख रही थी। राधा को अपनी ओर देखते हुए कनिका राधा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे राधा, व्रत तो तुमने भी रखा है, तो क्या तुमको कुछ नहीं खरीदना है? नहीं कनिका जी, मैं आलू खाकर ही अपना काम चला लेती हूँ। आलू? भला व्रत में आलू कौन खाता है? मुझे तो आलू बिल्कुल भी हजम नहीं होता। मैं तो जब भी नवरात्रि के व्रत रखती हूँ तो मुझे तो सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि तुमने देखा ना अभी मैंने क्या क्या सामान खरीदे। हाँ वो तो मैंने देखा, आपने ढेर सारा सामान खरीदा। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं लाई कि मैंने क्या क्या खरीदा है। अरे भाई, मैं अकेले इतनी सारी शॉपिंग बैग्स थोड़ी ना उठा पाऊंगी। चलो मेरी मदद कर दो जरा, इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी, और उन 100 रुपए से तुम अपने लिए कुछ ढंग का खाने पीने की चीजें खरीद लेना। राधा ने चुपचाप भारी भारी शॉपिंग बैग्स पकड़ लिए। कनिका बाजार में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए बोली, अरे वो देख राधा, सामने गिफ्ट की दुकान है। सोच रही इस बार नवरात्रि में जिन कन्याओं को मैं भोजन करवाऊंगी उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट भी दे दूं। तुम तो जानती ही हो हर साल नवरात्रि में कन्याओं को महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हूँ मैं। इस बात को तो मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं। कनिका ने उस गिफ्ट की दुकान से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदे। कुछ वक्त बाद कनिका राधा के साथ उसके घर पर गई और अपना पर्स देखने लगी। मुझे माफ करना राधा, मैंने अपने पति से 3000 रुपए लिए थे और मैं सारे पैसों की शॉपिंग कर आई, मेरे पास छुट्टे पैसे बचे ही नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे कल दे दीजिएगा। तुम कितनी अच्छी हो राधा,
कलम फिर से बाजार चलेंगे और शॉपिंग करेंगे। हाँ, इतना बोलकर कनिका अपने घर के अंदर चली गई और राधा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गई। राधा को देखकर उसकी 10 साल की बेटी नर्मदा दौड़ती हुई आई। माँ, आप बाजार से अपने लिए कुछ लेकर नहीं आई? मुझे तो लगा था कि आप कनिका आंटी की तरह ढेर सारी शॉपिंग करके आएंगी। कोई बात नहीं बेटा, हम अगले साल ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ये तो आप हर साल कहती हैं माँ। ऐसा नहीं कहते नर्मदा, तुम्हारे पापा एक मजदूर हैं और ऊपर से बाजार में भी अभी मंदी चल रही है। जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो हम भी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और उस साल हम भी नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। तो क्या आप भी कनिका आंटी की तरह कन्याओं को भोजन करवाएंगी? हाँ मेरी बिटिया, क्यों नहीं, उस दिन तुम अपने हाथों से उन कन्याओं को भोजन खिलाना। नर्मदा बड़ी मासूमियत से बोली। मुझे उस दिन का इंतजार है माँ, मैं आंटी की तरह किसी को भगाऊंगी भी नहीं। नर्मदा की बात सुनकर राधा चौंक गई। तुम कहना क्या चाहती हो? पिछले साल कनिका आंटी ने कुछ लड़कियों को भोजन के लिए बुलाया था, मैं भी उन्हीं लड़कियों में चली गई थी, मगर आंटी ने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। कहने लगी कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं और मेरे कमरे की फर्श खराब हो जाएगी। नर्मदा की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। शाम को जब मोहन घर वापस आया तो राधा ने अपने शौहर मोहन से कहा। नर्मदा बता रही थी कि पिछले साल कनिका ने कन्या भोजन के वक्त नर्मदा की बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। तुम्हें पता है राधा कि कनिका का शोहर एक रईस आदमी है, वो एक बिजनेसमैन है, उसके संबंध हाई सोसाइटी के लोगों के साथ है। भला नर्मदा को क्या जरूरत थी कन्या पूजन के दौरान उसके घर पर जाने की? अगर मेरी बेटी उन 9 कन्याओं में शामिल होकर थोड़ा खाना खा भी लेती तो आखिर कनिका जी का क्या बिगड़ जाता? और वैसे भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति तो किसी गरीब को खाना खिलाने में है, ना कि रईस बच्चों को खिलाकर। तुम फिक्र मत करो राधा, हमारे बुरे हालात हमेशा नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन हमारे ये हालात जरूर बदलेंगे। मोहन की बात सुनकर राधा खामोश हो गई। राधा अगले दिन 100 रुपए के लिए कनिका के घर पर चली गई। कनिका नाराज होती हुई राधा से बोली, इसीलिए मैं तुम्हें बाजार ले जाने में आनाकानी करती हूँ। राधा, तुम्हारे ऊपर 100 रुपए हैं, कोई लाख रुपए नहीं, और मैं भी कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और सुनो, अब मुझे कभी भी पैसों के लिए मत टोकना। राधा मुंह लटकाकर चुपचाप चली आई। ऐसे ही नवमी का दिन आ गया। कनिका ने धूमधाम से पूजा करवाई और साथ ही साथ 9 कन्याओं का भोज भी रखा। कनिका ने कन्याओं के लिए बहुत लाजवाब भोजन तैयार करवाया था जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। उस खुशबू को सूंघते हुए नर्मदा उन कन्याओं में शामिल हो गई, मगर हमेशा की तरह कनिका नर्मदा को अपने घर पर देखकर बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, 9 लड़कियां पूरी हो गई है नर्मदा, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मैंने तो देखा अभी सिर्फ 7 ही लड़कियां हुई हैं। वो क्या है ना, 2 लड़कियां मेरी फ्रेंड की भी आने वाली हैं। अगर तुम इस भोज में शामिल हो जाओगी तो भला मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी? और वैसे भी पिछले साल मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तो तुम्हारे पापा जब तक तुम्हारे ढंग के कपड़े नहीं बनवाते तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। चलो अब तुम चली जाओ यहाँ से, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। नर्मदा के जाने के बाद सुरेश कनिका से बोला, तुमने बिल्कुल ठीक किया, अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालती तो मैं इसे धक्के देके बाहर निकाल देता। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने पड़ोसी राधा को मुंह मत लगाया करो। अजी, मैं फालतू में मुंह नहीं लगाती, अगर उसे मुंह लगाती हूँ तो उसके बदले बहुत सारा काम भी करवाती हूँ। नर्मदा मुंह लटकाकर रोती हुई अपने घर चली गई। नर्मदा को देखकर राधा समझ गई कि कनिका ने इस बार भी नर्मदा को कन्या भोज में शामिल नहीं किया। राधा नर्मदा को गले लगाते हुए बोली, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पूजा का सामान लेकर आए हैं, और वैसे भी माँ दुर्गा अच्छा खाना और ढेर सारे कपड़ों से खुश नहीं होती, वो तो अपने भक्तों की भक्ति देखकर खुश होती हैं। सच कह रही हो माँ? हाँ नर्मदा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ दुर्गा अपने भक्तों के सच्चे मन से खुश होती हैं, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत सच्चा है।
इतना बोलकर राधा ने नर्मदा को गले लगा लिया और नर्मदा खुश हो गई। अगले दिन दशहरा था। दशहरे में सभी लोग रावण जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मोहल्ले के एक इंसान ने सुरेश से कहा, इस रावण को आग कौन लगाएगा? हर साल की तरह इस साल भी रावण को आग मैं लगाऊंगा। सुरेश ने रावण को आग लगाना चाहा, मगर बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं जली। ये देखकर सुरेश बहुत परेशान हो गया। क्या हुआ सुरेश भाई, लगता है इस साल तुम्हारे हाथों बुराई का खात्मा नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ। उस इंसान ने भी रावण को आग लगाने की बहुत कोशिश की, मगर आग नहीं जली। थक हार कर सभी लोग परेशान हो गए कि कागज के रावण में आखिर आग क्यों नहीं लग रही है। तभी मासूम नर्मदा वहाँ पहुँच गई और सुरेश से बोली, अगर आप कहो तो मैं रावण को आग लगा सकती हूँ। एक बार इस छोटी बच्ची को भी कोशिश करने दो सुरेश भाई, हो सकता है जो चमत्कार हमसे नहीं हुआ इससे हो जाए। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। नर्मदा ने जैसे ही रावण को आग लगाई, रावण का पुतला जल उठा, मगर इसके साथ ही सुरेश के घर पर भी आग लग गई। अपने घर पर आग लगते देख सुरेश बुरी तरह से घबरा गया। जैसे जैसे रावण का पुतला जल रहा था, सुरेश का घर भी धुआं हो रहा था। सुरेश की बीवी कनिका चीखते हुए बोली, अरे अरे मेरे घर में आग लग गई है, कोई बचाओ बचाओ, मेरी बेटी अंदर है। कनिका की बात सुनकर राधा दौड़ती हुई कनिका के घर के अंदर घुस गई और उसकी बेटी को बाहर निकाल कर ले आई। तभी सुरेश के मोबाइल पर उसके ऑफिस से फोन आया कि उसकी फैक्ट्री में भी आग लग गई है। सुरेश सड़क पर आ चुका था। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक वहाँ पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और माँ दुर्गा वहाँ पर प्रकट हो गयी। माँ दुर्गा को देखकर सभी लोग उनके चरणों में गिर गए। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है सुरेश और कनिका, तुमने कन्या भोज के दौरान एक गरीब बच्ची को बेइज्जत किया। तुम्हें धनवान रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो गई और सुरेश सड़क पर आ गया। राधा अपनी बेटी नर्मदा को लेकर घर आ गई कि तभी उसका पति मोहन खुश होता हुआ वहाँ पर आया। उसके साथ 9 बच्चियाँ थीं। राधा, मैं इन 9 बेसहारा लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया हूँ, हम इन्हें ही खाना खिलाएंगे। लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? मैं तुम्हें बताता हूँ राधा, मैं जिस जगह पर मजदूरी कर रहा था वहाँ पर मुझे सोने के सिक्कों का थैला मिला है। लगता है ये दुर्गा माता का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। राधा ने सारी घटना मोहन को बता दी। गलत करने वाले के साथ हमेशा गलत होता है राधा। राधा उन 9 लड़कियों को अपने घर में बिठाकर खाना परोसने लगी और सारी कन्याएं अपना भोजन खुशी से खाने लगी और उन्हें मिठाइयां और बहुत सारे कपड़े देने लगी। उस दिन के बाद मोहन का परिवार रईस हो गया और सुरेश का परिवार गरीब हो गया और इसी के साथ बुराई की हार हुई और अच्छाई और सच्चाई की जीत।